बीएससी मैथ मैकेनिक्स स्टडीज टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वीडियो नंबर 26। क्वेश्चन है इसमें फाइंड द सीजी ऑफ एरिया बाउंडेड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द एक्स एक्सिस एंड द लैटरसेक टर्म। तो इसमें आर्टिकल्स यूज होगा हमारा सीजी ऑफ द प्लेन एरिया बाउंडेड द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू वी। तो इसमें हमने फॉर्मूलेस लगा लिए हैं। एक्स बार का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ए टू वी रो एक्स वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ए टू वी रो वाई डी एक्स एंड वाई बार का है 1/2 इंटीग्रेशन ए टू वी रो वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए टू बी रो वाई डी एक्स। ये इसके हो गए फॉर्मूलेज। पैराबोला का हमने इक्वेशन बना दिया है। लैटरसेक्टम ये होता है एंड ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें एक्स बार एंड वाई बार दोनों ही लाई करना पड़ेगा। अगर कहता ओनली लैटरसेक्टम में तो टोटल में आता तो एक्स एक्स पे लाई करता, वाई बार नहीं निकालना पड़ता। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता ओनली एक्स बार में। परंतु इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स बार वाई बार दोनों फाइंड करना पड़ेगा अबाउट द एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन में एक्स बार वाई बार दोनों आएगा। तो अब हम वैल्यूज़ निकालते हैं। एक्स बार का लिमिट पॉइंट उसमें हो जाएगा लैटरसेक्टम में जो लिमिट पॉइंट लिया जाता है -2a to 2 ही लिया जाता है एंड वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, यानी वाई इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे। फिगर से हमको केवल लिमिट मिल पा रहा है तो एंड एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा लिमिट माइनस का 2a to 2a एंड रो हमने कॉमन बाहर निकाला। एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 4x हो जाएगा डी एक्स अपॉन रो बाहर निकला लिमिट पॉइंट माइनस 2a to 2a एंड वाई इक्वल टू अंडर रूट 4ax एंड डी एक्स हो गया। रो से रो कैंसिल हुआ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंडिकेशन यहाँ पे यूज कर देंगे एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 0 to 2a एंड एक्स अंडर रूट 4a एंड एक्स की पावर 1/2 dx अपॉन 2 लिमिट पॉइंट 0 to 2a अंडर रूट 4a इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। 2 से 2 कैंसिल, 4a भी कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो पोर्शन बचता है उसका इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये लिमिट ड्रा कर दी जाएगी। ऊपर वाला जो पोर्शन है लिमिट 0 to 2a एक्स की पावर 3/2 dx हो जाएगा एंड नीचे वाले पोर्शन लिमिट 0 to 2a एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। ऊपर वाले पोर्शन में यानी 1 ये था 1/2 ये 3/2 एक्स बार इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 इंटीग्रेशन करने पर लिमिट 0 to 2a है। नीचे वाले पोर्शन में 3/2 अपॉन 3/2 0 to 2a लिमिट। तो इसका जो पोर्शन है 2 5/2 यानी कि 3/5 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स की पावर 5/2 लिमिट है 0 to 2a और नीचे वाले पोर्शन में एक्स की पावर 3/2 लिमिट है 0 to 2a। इसमें लिमिट ड्रा कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ड्रा करने के बाद वैल्यू जो आएगा वो एक्स बार हो जाएगा। उसके बाद वाई बार का फॉर्मूला लगा लेंगे 3 अपॉन 5 ये हो गया 2a की पावर 5/2 माइनस 0 अपॉन यहाँ पे 2a की पावर 3/2 माइनस 0 यहाँ हो जाएगा 3/5 2a की पावर 5/2 यानी कि ढाई होता है 2.5 होगा 2 × 1/5 तो इसका स्क्वायर एंड 2a की पावर 1/2 हो जाएगा। अब वन यहाँ पे 2a की पावर 3/2 1 एंड 2a की पावर 1/2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा 3/5 × 2a यानी कि 6a/5 आएगा एक्स बार। अब इसमें वाई बार का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। हाँ ये वाई बार का फॉर्मूला हो गया लिमिट ड्रा कर दिया -2a to 2a एंड 1/2 रो वाई स्क्वायर। यहाँ से 1/2 रो को हम निकालेंगे लिमिट -2a to 2a एंड वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन यहाँ पे रो को हम निकाला लिमिट पॉइंट -2a to 2a एंड वाई डी एक्स रो से रो कैंसिल हुआ। वाई बार इक्वल टू हो जाएगा 1/2 यहाँ से 2 को हम निकाला लिमिट 0 to 2a होगा वाई स्क्वायर यानी कि 4ax है डी एक्स अपॉन यह हो जाएगा 2 लिमिट 0 to 2a वाई का होगा अंडर रूट 4ax डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हुआ यहाँ आ जाएगा 1/2 यहाँ का 4ax का एक्स स्क्वायर 2 0 to 2a एंड 2 अंडर रूट 4a कॉमन एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन लिमिट पॉइंट 0 to 2a एंड डी एक्स 0 to 2a इंटू डी एक्स। उसके बाद जो सर बचता है वाई बार इक्वल टू होगा 4a/2 एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 2a एंड 2 4 का हो जाएगा 2 अंडर रूट a एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2
लिमिट पॉइंट 0 to 2a, ये हो जाएगा बाई बार इक्वल टू 2a एंड 2a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 4 अंडर रूट a, ये 2 पर पहुंचेगा 2 अपॉन 3 हो जाएगा एंड 2a की पावर 3/2 एंड 2 से 2 कैंसिल हुआ, y बार इक्वल टू आया a एंड 4a स्क्वायर 3 ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन 4 अंडर रूट a एंड 2a की पावर 3/2 2a इंटू अंडर रूट 2a एंड 4 से 4 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो पॉइंट बनेगा क्या बनता है, a से a कैंसिल कर दें एंड ऊपर बन रहा है 3a स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a, यह हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू a कैंसिल हो जाएगा 3a अपॉन 2 अंडर रूट 2, अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी वाई बार आ जाएगा 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2।